फ्रूलानी इंटीग्रल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी मैथ्स में, जो कि आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल का पार्ट है। सो फ्रूलानी इंटीग्रल की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं? सबसे पहले फाइ ऑफ एक्स आपके पास कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, किस इंटरवल में? जीरो से इंफिनिटी इंटरवल में। देन अगर ऐसा होता है देन वी से दैट जीरो टू इंफिनिटी फाइ ऑफ ए एक्स माइनस फाइ ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा फाइ ऑफ जीरो माइनस फाइ ऑफ इंफिनिटी लॉग बी अपॉन ए। सो यहाँ पे फाइ ऑफ जीरो किसके इक्वल होगा? लिमिट फाइ ऑफ एक्स, वेयर एक्स अप्रोच करेगा जीरो पॉजिटिव को, और फाइ ऑफ इंफिनिटी होगा जब आप फाइ ऑफ एक्स में लिमिट एक्स अप्रोच करवाओगे इंफिनिटी को। सो ये किसके इक्वल आया फाइनली आपके पास? फाइ ऑफ जीरो माइनस फाइ ऑफ इंफिनिटी टाइम्स लॉग बी अपॉन ए के इक्वल। बात करते हैं इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेट इम्प्रॉपर इंटीग्रल है विच इन्वॉल्व्स अ स्पेशल फॉर्म ऑफ अ डिफरेंस ऑफ द फंक्शन, डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शन। बेसिकली इसमें क्या है, दो फंक्शंस का डिफरेंस है। इटालियन मैथमेटिशियन था फ्रुलानी, उसने ये चीज डिस्कवर की थी। ये इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करना कि फ्रुलानी इंटीग्रल मे नॉट कन्वर्ज फॉर ऑल द फंक्शन एंड पैरामीटर वैल्यूज। जैसे फाइ ऑफ एक्स आपके पास ऐसा नहीं है कि हर फाइ ऑफ एक्स के लिए ये कन्वर्ज करेगा, ये डिपेंड करेगा ए और बी के ऊपर भी और फंक्शन के ऊपर भी, राइट। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, स्पेशल फंक्शंस में, इंटेग्रल ट्रांसफॉर्मेशन में। ये काफी यूजफुल टूल है टू एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेग्रल एंड फॉर डिराइविंग वेरियस आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ये सारी तो कहानी होगी इसके फ्रुलानी इंटीग्रल के ऊपर। इटालियन मानुष था ये, उसने ये वाली चीज डिस्कवर की थी। हमें अल्टीमेटली क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करनी है। सो इसकी क्रॉलरी, तीन क्रॉलरीज हैं। तो सबसे पहली क्रॉलरी क्या कहती है कि जीरो से इंफिनिटी फाइव एक्स अपॉन एक्स, अगर ये चीज कन्वर्जेंट होती है, अगर ये चीज आपके पास कन्वर्जेंट होती है जीरो के ऊपर और फाइ इन्फिनिटी की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या करेंगे? जो हमारे पास इसमें पार्ट था ना कि फाइ ऑफ जीरो माइनस फाइ ऑफ इन्फिनिटी, फाइ ऑफ जीरो माइनस फाइ ऑफ इन्फिनिटी, तो उसमें फाइ ऑफ जीरो वाला पार्ट आपके पास जीरो हो जाएगा। सो ये अल्टीमेटली फाइ ऑफ इन्फिनिटी लॉग ए अपॉन बी, जैसे ये आपके पास बनेगा माइनस फाइ ऑफ इन्फिनिटी लॉग बी अपॉन ए के इक्वल। माइनस साइन आप यहाँ पे इंटरचेंज कर दो, जैसे इसे लॉग ए अपॉन बी लिखोगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा फाइ ऑफ इन्फिनिटी लॉग ए अपॉन बी के इक्वल। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये कब होगा? अगर आपके पास ये कन्वर्ज होते हैं जीरो के ऊपर। सेकेंड थिंग, अगर ये कन्वर्ज होते हैं इन्फिनिटी के ऊपर, देन इन दैट केस हम फाइ ऑफ इन्फिनिटी को क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे। तो हमारे पास जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था फाइ ऑफ इन्फिनिटी माइनस फाइ ऑफ जीरो माइनस फाइ ऑफ इन्फिनिटी लॉग बी अपॉन ए, तो इस केस में फाइ ऑफ इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या? फाइ ऑफ जीरो लॉग बी अपॉन ए के इक्वल। आपको डायरेक्ट याद रखना है ये। देन लास्ट केस, अगर ये दोनों इंटीग्रल्स कन्वर्ज करते हैं जीरो और इन्फिनिटी के ऊपर, इन दैट केस फाइनल आंसर जीरो होगा। तो अल्टीमेटली आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या था, फॉर्मूला क्या था, फाइ ऑफ जीरो माइनस फाइ ऑफ इन्फिनिटी टाइम्स लॉग बी अपॉन ए। तो तीन केस बन रहे हैं। पहले केस में आपके पास अगर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है जीरो के ऊपर तो आपके पास ये वाला पार्ट जीरो बनेगा, अगर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है इन्फिनिटी के ऊपर तो ये वाला पार्ट जीरो बनेगा, राइट। सो नेक्स्ट, बेसिकली फिर से मैं बता रहा हूं, आपके पास एक फंक्शन दिया होगा जो कॉन्टिन्यूस होगा इस इंटरवल में, उसका इंटीग्रल की वैल्यू आपके पास ये वैल्यू होगी। फ्रुलानी इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट के बाद हम डिस्कस करते हैं इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर वन आपके पास कि शो दैट, ये इंटीग्रल गिवन है कि जीरो टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स ए एक्स माइनस टेन इनवर्स बी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू लॉग ए अपॉन बी। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। तो हमें इस पे फ्रुलानी इंटीग्रल अप्लाई करना है। सो फ्रुलानी इंटीग्रल किसके इक्वल होते हैं? जीरो टू इन्फिनिटी फाइ ऑफ ए एक्स माइनस फाइ ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स। तो फाइनली किसके इक्वल आते हैं? दिस कम्स फाइ ऑफ जीरो माइनस फाइ ऑफ इन्फिनिटी लॉग बी अपॉन ए के इक्वल। सो हमें पहले तो ये देखना है कि ये फाइ ऑफ ए एक्स है, ये फाइ ऑफ बी एक्स है डिवाइडेड बाई एक्स है, ठीक है। तो फाइ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? टेन इनवर्स ए एक्स के इक्वल आ रही है। तो मतलब हमारे पास फाइ ऑफ एक्स, हमने रेकोगनाइज किया कि फाइ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है? टेन इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका ये होगा कि इसे रेकोगनाइज करना फाइ ऑफ एक्स को। क्लियरली ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल में जीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, और फ्रुलानी इंटीग्रल हमें पता है कि इसकी डेफिनेशन ये होती है। तो
तो फाई ऑफ जीरो हमें फाइंड करना है. सो फाई ऑफ जीरो की डेफिनेशन क्या होती है, फाई ऑफ जीरो इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव टेंजेंट इनवर्स एक्स के इक्वल. तो जब आप इसमें एक्स को जीरो पुट करोगे तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा जीरो के इक्वल. सिमिलरली फाई ऑफ इन्फिनिटी दैट इज टेंजेंट इनवर्स एक्स, दैट इज टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी. सो ये आपके पास क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी. तो इसे लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाई टू, क्योंकि टेंजेंट पाई बाई टू की वैल्यू इन्फिनिटी होती है. सो ये आपके पास आएगा पाई बाई टू के इक्वल. सो यहाँ पे आपके पास फाई ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आ गई और फाई ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू पाई बाई टू आ गई. तो आपने ये सारी वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट की, फाई ऑफ जीरो जीरो माइनस पाई बाई टू लॉग डी अपॉन ए. देन क्योंकि नेगेटिव साइन को हटाना था तो यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया ए और बी को, और नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया. तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसमें आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इंपॉर्टेंट टास्क ये था कि फाई ऑफ एक्स को रेकोगनाइज करना. सेकेंड था कि आपको इसे याद रखना पड़ेगा, इसको फुरलानी इंटीग्रल को. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, देखने में बहुत लेंथी है, e की पावर माइनस ए क्यू एक्स माइनस e की पावर ए पी एक्स माइनस e की पावर बी क्यू एक्स माइनस e की पावर माइनस बी पी एक्स. सो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर. अब देखने में आपको ये उस वाली फॉर्म का नहीं लगेगा, किस फॉर्म का, कि फाई ऑफ ए एक्स माइनस फाई ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स. ठीक है, हमें इसे बनाना पड़ेगा. हम इसे कैसे बनाएंगे, जो ये एक्स स्क्वेयर है आपके पास, जो ये एक्स स्क्वेयर वाला पार्ट है, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब कि इसके डिनोमिनेटर में एक्स डाल दो, इसके डिनोमिनेटर में एक्स डाल दो. तो हमने इसे बेसिकली इस तरीके से लिखा, ई की पावर माइनस ए क्यू एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए पी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स. तो यहाँ पे ये वाला एक्स और ये वाला एक्स मिलकर आपके पास एक्स स्क्वेयर बना रहे हैं. इस एक्स स्क्वेयर को हमने इस तरीके से एडजस्ट किया है. फाइनली जो आपके पास फाई ऑफ एक्स देखने को मिलेगा वो ये होगा, ई की पावर माइनस क्यू एक्स माइनस ई की पावर माइनस पी एक्स. तो जब आप इसमें फाई ऑफ ए एक्स पुट करोगे तो ये आएगा ई की पावर माइनस ए क्यू एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए पी एक्स. ठीक है, तो ये आपके पास इस फॉर्म में आएगा. तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये ट्रिकी वाला पार्ट था कि एक्स स्क्वायर को कैसे एडजस्ट करना है. सो फाई ऑफ एक्स हमारे पास निकल गया. फाई ऑफ एक्स निकलते ही हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फाइव ऑफ एक्स में डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ए एक्स होगा. तो हमें फाइव ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर फाइव ऑफ जीरो की वैल्यू पुट करें तो इसमें जीरो पुट करते हैं अगर हम, तो ये आपके पास बनेगा वन माइनस वन अपॉन जीरो, दैट इज जीरो बाई जीरो फॉर्म. तो यहाँ पे लॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा. लॉपिटल रूल इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव अलग से करते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से करते हैं. तो यहाँ पे न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस क्यू ई की पावर माइनस क्यू एक्स प्लस पी ई की पावर माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाई वन. एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा आपके पास. फाइनली आपने इसमें एक्स को जीरो पुट किया, ये जीरो पुट किया और यहाँ पे जीरो पुट किया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, माइनस क्यू प्लस पी के इक्वल. ठीक है, तो फाइव ऑफ जीरो की फाइनल वैल्यू पी माइनस क्यू निकल गई. फाइव ऑफ इन्फिनिटी, जब आप इसमें बेसिकली e की पावर माइनस क्यू एक्स है और लिमिट अप्रोच करवा रहे हो आप x अप्रोच करवा रहे हो इन्फिनिटी को, तो हमें पता है e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है और e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो. तो यहाँ पे ये कंप्लीट टर्म आपके पास जीरो आएगी. ठीक है, तो दिस विल बिकम जीरो इक्वल टू जीरो, फाइव ऑफ इन्फिनिटी जीरो के इक्वल बनेगी. तो बाय फ्रुलानी इंटीग्रल आपके पास फाइव ऑफ जीरो की वैल्यू फाइव ऑफ इन्फिनिटी, फाइव ऑफ जीरो की वैल्यू ये और फाइव ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू ये, दैट इज पी माइनस क्यू लॉग बी अपॉन ए. तो ये प्यारा सा आंसर आएगा इसका. ट्रिकी क्वेश्चन था. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज रियल टाइम एग्जाम में आपको पता नहीं चलेगा कि आपने एक्स स्क्वायर को किस तरीके से एडजस्ट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, इसमें भी आपके पास कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स दिया हुआ है. तो ये रिकॉग्नाइज करना बड़ा आसान है कि फाइव ऑफ ए एक्स माइनस फाइव ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे फाइव ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, कॉस एक्स के इक्वल आ रही है. तो फाइव ऑफ एक्स आ गया कॉस एक्स के इक्वल. सेकेंड थिंग, अगर आप ये इंटीग्रल देखो जीरो टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन एक्स, ये कन्वर्जेंट है इन्फिनिटी के ऊपर. तो इसका मतलब आपके पास फ्रुलानी इंटीग्रल के अकॉर्डिंगली हमें सिर्फ फाइव ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फाइव ऑफ जीरो की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, एक्स अप्रोच करवाया जीरो को, तो कॉस जीरो की वैल्यू वन, दैट इज इक्वल टू फाइव ऑफ जीरो. तो फाइव ऑफ जीरो हमारे पास वन आ गया और फाइव ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो आ रही है इस केस में, क्योंकि हमने जो रिजल्ट पढ़ा था उसमें ये था कि इस अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाते हैं, कौन सा इंटीग्रल, ये वाला इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाते हैं
उस केस में आपके पास जो फॉर्मूला रिड्यूस होते हैं वो इसमें रिड्यूस हो जाते हैं, फाइव ऑफ जीरो लॉग बी अपॉन ए। सो फाइव ऑफ जीरो की वैल्यू भी वन है तो लॉग बी अपॉन ए, तो आपके पास यही आंसर आंसर फाइनली बचेगा। तीन क्वेश्चन से, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रुलानी इंटीग्रल एक छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा टॉपिक है इंटीग्रल में, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में बेसिकली। तो इसमें ये सिंगल फॉर्मूला लगेगा और आपके 3 मार्क्स फ्री के होंगे। प्रैक्टिस कीजिए इस टॉपिक को। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट फेस हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।